हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी शक्तिमान भाइयों? तो भाइयों, यहाँ पर बैंकर से काफ़ी मज़े लिए हैं। बैंकर भी सोच रहा था यार, इसको जवाब क्या दो, क्योंकि बैंकर बेचारा बहुत चुप चुप था, बोल ही नहीं रहा। वो सोच रहा यार जवाब क्या दूँ इसे। एंड में फिर चला गया, क्योंकि भाई उस समय बड़ा खुराफाती चल रहा था दिमाग में, तो मज़े ले लिए बैंकर से शक्तिमान के नाम पर ही। और लास्ट में एक और ऑडियो है, 5 मिनट कुछ सेकंड की है, या कुछ पूरे प्रॉपरली 5 मिनट 1 सेकंड करीबन होगी। तो भाई उसमें थोड़ा एजेंट यार मज़ेदार बंदा निकल गया, तो वहाँ पे भी थोड़े मज़े लिए हैं। और मेरे सभी भाइयों, देखने के बाद कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। हंसत रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, क्योंकि टेंशन किसी भी भाई को नहीं लेनी है और चिंता मुक्त रहना है। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून विनय जी। विशाल बात कर रहा था सर, SBI कार्ड से। बताओ बताओ जी, बताओ विशाल, बताओ। सर ये कार्ड यूज कर रहे थे आप पिछले काफी समय से, 0589। पिछले कुछ समय से इसमें पेमेंट्स आपके डिलेज होने लगे, जानते हो क्या इशू हो गया विनय जी? कोई इशू नहीं है भाई साहब, तो इसमें पेमेंट्स आपके इशू कुछ नहीं है यार। मैं अभी हवा में उड़ रहा हूँ ना, आजकल तो इशू रह जाते हैं। अभी कल में क्या है ना, हवा में उड़कर अमेरिका बच्चे को बचाने जा रहा था, शक्तिमान की शक्तियां ले ली है ना 1.5 करोड़ रुपए देके, उसने अपने जैसी शक्तियां दिलवा दी है। तो जा रहा था ना, तो गलती से एक साल बिल्डिंग से टकरा गया, वहां का कांच टूट गया, तो वहां पे भी इशू हो गया। मतलब इशू हो ही जाते हैं बिना कुछ करे मेरे। अब वो बोल रहे हैं मतलब बिल्डिंग वाले की, भाई साहब आप शक्तिमान हो, आपने हमारे मतलब जान बचाते हो, आप अच्छा काम करते हो, आधे पैसे दे दो, आधे मत दो, आधे हमारी तरफ से माफ है। साले 1 लाख का कांच था वो, बुलेट प्रूफ, अब गलती से टकरा गया, वो इतने में टूट गया। अब 50,000 का अरेंजमेंट कर रहा हूँ उन्हें देने के लिए यार। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत समस्या है कौन, पहले ये बता दो आप है कौन। मैंने बताया ना सर, विशाल बात कर रहा हूँ SBI कार्ड से। कार्ड से ही ब्याज से? कार्ड से। तो बैंकर होगा फिर तो मैं आपको, मतलब बैंकर होगा फिर आप तो जी। एम्प्लॉयडी आपकी? हाँ जी। एम्प्लॉयडी आपकी? ऑन कॉल शेयर नहीं करता सर, आप NSP वाली ब्रांच आ जाइए, मैं आपको। भाई साहब यार ये जो है ना, ये जो आप जो बचकानी बातें करते हो बच्चों वाली, आप देखो बैंकर हो, मेरे हिसाब से आपको 6-7 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो भाई साहब आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको गाइडलाइन पता है, आपको सब पता है, आपको ये नहीं पता सीनियर से पूछना कि ऑन कॉल भी शेयर कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी विद मेल आईडी दोनों चीजें शेयर कर सकते हो। मेल आईडी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अभी। मेल आईडी @sbicard.com। अच्छा, आप मेल आईडी नहीं कर सकते? मेल आईडी तो बता दी सर। अरे भाई साहब फिर से किसी में टकराई, अरे यार फिर से कुछ टूट गया। ओ शिट यार, ये उड़ते उड़ते ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अभी अभी नई नई शक्ति आई है ना, तो उड़ नहीं पाता ढंग से। कंसर्न बता देंगे सर, ज्यादा कंसर्न नहीं है, उड़ रहा हूँ यार भाई, मतलब सही बता रहा हूँ, अभी मैं जो है ना उड़ना उड़ना सीख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं टकरा जाता हूँ, कहीं एकदम ठक से दीवार में, कहीं कहीं दीवार चटक जाती है टकराने से। और बताइए, आपका नाम क्या बताया था? विशाल। विशाल जी, और बताइए क्या चल रहा है? बस सर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या इश्यूज हो गए, क्योंकि कार्ड भी ऐसा नहीं है कि आपने अभी लिया हो। कांटेक्ट अगर आपको हमसे करना था, हाँ जी, कांटेक्ट अगर आपको हमसे करना था, तो एक मेल पे जो है ना दावत का इन्विटेशन भेज देते और अपने बैंक में एक दावत छोटी सी कर लेते, वहां खाने पीने आ जाते, हम क्या दिक्कत है। और बताइए आपके अंदर कौन कौन सी एजेंसी हैं? वो आप छोड़ दीजिए ना सर, कौन सी एजेंसी है? अरे मेरा केस किस एजेंसी के पास है? मेरा केस किस एजेंसी के पास है? वो तो आपको मैसेज भी आया होगा सर। आप बता दो ना, मैसेज आया तो क्या हुआ? नहीं आपके पास मैसेज आया होगा ना सर? भाई साहब मैसेज आया तो आप बता दो ना, करने में क्या इशू, आप वो बता दीजिए ना मेरे को। बताया तो 1.5 करोड़ रुपए शक्तिमान को दे के तब करके जाके ये शक्तियां लिए भाई, अभी उल्ट हूँ हवा में। और बताइए आप चुप चुप कैसे हैं, क्या हो गया, भाभी जी ने राइड वाइड दिया क्या घर पे? नहीं नहीं सर,
तो आप बोलते क्यों नहीं यार हसमुख, अगर नहीं मैं सर, मेरी तरह, मैं हसमुख ही रहता हूँ सर, लेकिन आपकी बातों का क्या जवाब दूँ वो समझ नहीं आ रहा है। अरे यार मतलब जैसे दिल उम्र बचपन की, दिल बचपन का, मेरी तरह बचपन के बंदे बन जाओ और क्या। आप भी कह दो मेरे को भी शक्तियां चाहिए, दिलवा देता हूँ आओ। अभी नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। पता है हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा वहां पे मैंने वीडियो डाली थी, एक भाई का जवाब आया पता है, मैं पढ़ के उसे हंसा भी, और मैं तो सोचू, वो भाई कहता है भाई आप ओवर एक्टिंग ज्यादा करते हो, मैं भी डिफॉल्टर हूँ लेकिन आपकी तरह तो बात नहीं करता। फिर मैं उसे यार क्या जवाब दूँ अपने भाई को, उसके साथ भाई के साथ लग रहा है ऐसा हुआ नहीं होगा जैसा होना चाहिए। यार रिकवरी वाले अगर जिंदा छोड़ दे कस्टमर को, अंदर ही अंदर मार देते हैं जीते जी। क्या हुआ बताएंगे। नहीं अभी तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है ना, जैसे आप जिस साइड खड़े हो ना जी, उसके अपोजिट साइड कस्टमर खड़ा होता है, करेक्ट, ना मैं कस्टमर की साइड हूँ ना मैं आपकी साइड हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, तो मुझे दोनों की कंडीशन पता है क्या चल रहा है, कैसे आप उसका जीना आराम करते हो और कैसे नहीं करते, और आपके ऊपर क्या प्रेशर है टारगेट का, क्या नहीं है। अगर आप बताएंगे तो सर हेल्प कर सके शायद। दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा हूँ, मोड़ते हुए ये पहुंच गया, ये तीसरी बिल्डिंग पे पहुंच गया। और बताइए विशाल जी, ठीक है सर, क्या ठीक है। मैं कह रहा हूँ ब्रांच में मिलोगे आप, हाँ जी बिल्कुल आ जाइए, चाय पिलाओगे तो मैं ब्रांच आऊंगा, चाय पिलाओगे तो आऊंगा। ठीक जी जी बिल्कुल पिलाएंगे चाय सर, आइए सर, है मोस्ट भाई, वेलकम। तो वहां पे क्या क्या फैसिलिटी है, कॉफी भी मिल जाएगी। नहीं अगर आप चाय कॉफी पीने आ रहे हैं तो सर वो तो आपको मिल जाएगी चाय कॉफी। लेकिन अपनी बात से मुकरना मत विशाल भाई, आपने मुंह से बोला भाई पिला नहीं दूंगा, नहीं चाय कॉफी आपको मिल जाएगी सर, चाय कॉफी की टेंशन मत लीजिए। ये हुई ना बात, तो बिस्कुट मुझे लाने पड़ेंगे, आप ही दोगे। नहीं आप ही ले आइएगा सर, ज्यादा अरे भाई ठीक है, मैं ले आऊंगा, मैं अपनी पसंद के लेकर आऊंगा। जी, पता मेरी वाइफ बिस्कुट बनाती है बहुत अच्छे, वही ले आऊंगा, आपको भी खिला दूंगा। थैंक यू सो मच सर। और बताइए विशाल जी, आप चुप चुप से कैसे हो, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या आपके साथ, गुमसुम से लग रहे हो मुझे। नहीं नहीं सर ऑल गुड, बस आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे ना, तो मैं वो सोच रहा हूँ सर। कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया आपका। नहीं नहीं सर। अच्छा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जवाब तो दे रहा हूँ। नहीं जो सर आप जवाब दे रहे हैं, आप जो चीजों को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं उससे चीजें तो सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है ना, तो आप जो जवाब दे रहे हैं सर चुपचाप वही, और चलिए सुन लेते हैं शायद हमें जवाब मिल जाए हमारी बात का इसी से। आपकी बात का जवाब मिलेगा, पहले मैं जाऊंगा पांचवें बिल्डिंग के ऊपर। आई अब पांचवें बिल्डिंग पे, आज पता नहीं यार मैं पता नहीं क्यों अंदर से खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, खुश रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उल्टा हूँ वरना मेरा मूड खराब होता है ना, या मैं इतना खुश नहीं होता अंदर से। वैसे तो ये समझ लीजिए जो 365 दिन है उसमें से 360 दिन में खुशी रहता हूँ अंदर से, 5 दिन कभी कभार यार खुश नहीं रह पाता, तो पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है उड़ने का, तो मैं बिल्डिंग के ऊपर कूद रहा हूँ। बस फिर क्या, मजे ले रहा हूँ। तो देखो ये कबूतर टकरा गया, कबूतर गिर गया है, टकरा के कबूतर गिर गया भाई मुझसे, टकरा के गलती से मैं उसके सामने आ गया, और ये मैंने उसे बचा लिया भाई, दूसरी बिल्डिंग पे रखा हूँ, रख दिया। अच्छी बात है सर। और बताइए विशाल जी, आपके वहां पर जहाँ पे आप बैठे हो ब्रांच में, आपके सीनियर मैनेजर भी होंगे, आप ही सीनियर हो। नहीं सर, सीनियर मैनेजर भी हैं सर हैं। और आपके आरसीएम का नाम क्या है। आप ये सारी चीजें मतलब डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने फेवरेट के बारे में कुछ मुझे बताने का कष्ट करेंगे सर। कोई नहीं भाई साहब, एनसीएम का बता दो ना, जेडसीएम का बताओ ना, आरसीएम का एनसीएम का बता दो। वो सर आप बहुत अच्छी बात है, आप सारी नॉलेज लेके बैठे हैं, आपको सारी नॉलेज है, लेकिन इशू क्या हुआ है आप वो तो बताइए। आप नाम तो बताओ एक बार, एक बार नाम क्या कह रहा हूँ सर, अगर आपकी तरफ कोई इशू हुआ होगा हम उसी में तो हेल्प कर सकेंगे। कौन सा बकेट है ये, 36 में आपका केस चल रहा है, 6 बकेट है ना जी। भाई साहब मेरे साथ ना बहुत बदतमीजी हुई है पिछले दिनों, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे कंपनसेशन दो, मुझे कंपनसेशन चाहिए, या तो आप मेरे को जो है ना मानहानि के बदले मेरा लोन माफ कर दो, ठीक है, वरना अगर मुझसे ले रहे हो तो 10% का लेटर देके 10% पैसे ले लो।
तो सर जो आपके साथ आप बता रहे हैं कि इश्यूज हुए हैं, आपके साथ बदतमीजी हुई है, हाँ, तो उसकी आपने कंप्लेन की थी सर? कंप्लेन करके फायदा क्या? आपके पास एविडेंस तो होगा ना? आप लोग मेरे को सर, आप लोग मेरे को एक ही जवाब देते हो क्या सर? ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है या सर? मैं वार्निंग लेटर दे चुका, वार्निंग लेटर का अचार डाल दूं? आप एविडेंस डालेंगे उसके रिगार्डिंग तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। कौन क्या एक्शन में लिया जाएगा? अब एविडेंस शेयर करेंगे तभी तो ना सर। पता है यार भाई, ऐसा देखो ऐसी बात नहीं है। देखो यार विशाल भाई, आपको नहीं पता, ये घर पे जो विजिट करने आते हैं ना, उनको ऑथराइजेशन लेटर देते हैं ना, उनको आईडी कार्ड देते हैं, यहाँ पे आके बदतमीजी करते हैं। आपको नहीं पता क्या हो रहा है कलेक्शन में? झूठ बोल रहे हो विशाल भाई, झूठ बोल रहे हो। झूठ क्यों बोलूंगा सर मैं? एक बात तो बताइए, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? इसलिए तो मैं उड़ रहा हूँ हवा में, ये एक और उड़ान भरी। ये थोड़ी दूर, थोड़ी दूर, ये आ गए अपनी आठवीं बिल्डिंग। या और बताओ विशाल भाई, सब बढ़िया? जी सर। देखो सर, सेटलमेंट अगर आप इसमें चाहते हैं 10% में तो नहीं, आपको 35-34% तक के लिए मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, जो कि विशाल भाई जी। अपने अपने सीनियर से बात कराना यार, उनसे भी बात कर ले थोड़ी सी। नहीं, अगर ऐसे ही आपको सर टाइम पास करना है तो कोई इशू नहीं है सर, उनसे कुछ और बात करूंगा। नहीं नहीं बता दीजिए मुझे क्या बात करेंगे। उनसे बात करूंगा, आपसे क्यों करूँ? सारी सीक्रेट बातें जान लोगे तुम ही, उनके लिए भी कुछ छोड़ दो। नहीं नहीं सही बात है, मैं जानूंगा तभी तो मैं भी ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर लेवल पे पहुंचूंगा। हाँ तो जब मैं बात करूंगा बराबर में खड़े हो जाना, सब सुन लेना। और बताओ, तो अभी आप मेरे को बता दो, मैं ही उनको पास ऑन कर दूंगा ना सर? नहीं, आप उनको पास ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको बताना है यार, उनके मतलब की बात है। जो आपके सीनियर मैनेजर है, उनका नाम क्या है? हेलो, एक काम कीजिए ना सर, मैं तो आपसे क्लियर कह रहा हूँ, आप एक बार यहाँ आ जाइए ब्रांच में, मैं आपसे मिलवा भी दूंगा, आप डायरेक्ट फेस टू फेस मिलवा। आप क्या मिलवाओगे? मैं तुरंत उनके कैबिन में घुस जाऊंगा, रोक लेगा कोई मेरे को जाने को? कस्टमर हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते, हम कब मना कर रहे हैं सर? हम तो कह रहे हैं, नाम तो बता दो एक बार अपने जो सीनियर मैनेजर। सर आप ऑफिस आ जाइए ना एक बार, फिर मैं नाम तो बताओ। सर आप आ जाइए ना, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे को ऐसे मेरे को जो है ना चेहरे, मतलब चेहरे से ध्यान है, नाम से याद नहीं। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं, पता है थोड़ी देर पहले, अभी मैं जब मैंने छठी बिल्डिंग से सातवीं बिल्डिंग के लिए उछाल मारी ना, उड़ा, तो मैंने देखा जो उनका घर है ना, उसमें जो है ना उनकी वाइफ किसी आदमी के साथ थी। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रही, किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो? तो उनको बताना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर के लिए वो भाई साहब कहे गया शक्तिमान जो दूसरा वाला था उसने मेरी मदद की, तभी मेरी गुडविल बनेगी ना, तभी मेरी ख्याति बनेगी। अभी देखा था जस्ट मैंने, हाथों में हाथ मैंने देखा, भाभी जी अरे ये साथ में कौन है? ओके बताऊं तो यार, अफेयर तो नहीं चल रहा भाई, चिंता हो जाती है यार दूसरों के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई थी ना मुझे, तब से मैं आपको ये टाइम पास करना तो छोड़ दीजिए, मैं कॉल डिस्कनेक्ट ही कर देता हूँ। तब से मैं शक्तिमान बन गया था, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई थी। बाकी आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो कर देना, काम और करना मेरे लिए जाते जाते। जी जाते जाते ये करना इनको ना, जो हमारा केसेस को रिकवरी डिपार्टमेंट में देना, उनके साथ मजा आता है बात करने में। जब गाली गलौज हो, तेरी माँ की तेरी बहन की, ऐसे गाली गलौज होती है, उनसे मजा ही आ जाता है एकदम। उनको देना ठीक है केस? जी सर ठीक है जी, बाय बाय, मैं चला उड़ने। ये हेलो, हाँ जी सोनू जी बात कर रहे हैं। सोनू जी, आपका बिल का पेमेंट भी चल रहा था, पेमेंट नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है सर? नाम तो बता दो अपना। जी मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ सर, आरबील से बोल रहे हो? बिहार से बोल रहे हो? सर ब्याप से बात कर रहा हूँ। ब्याप से बात कर रहे हो तो बैंकर से कल कॉल अरेंज करवा देना, उसको बता दूंगा। अच्छा आपको बैंक के मैनेजर से बात करना है, आपको बैंक के एग्जीक्यूटिव से? बैंकर, बैंकर का मतलब होता है बैंक का सर्वेंट, डायरेक्ट। हाँ बैंक का जो सर्वेंट, बैंक में जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव है, बैंक के डायरेक्ट पर्सन से बात करना है, आपको कहने का मतलब यही है ना? बिल्कुल सही हो आप अपनी जगह पर। तो सर आप थोड़ा वो तो इन्फॉर्मेशन बताइए जिस पे आप मैं आगे बात कर सकूँ, कि किस रिगार्डिंग बात करनी है, तो मैं आगे रिक्वेस्ट रेज करूँ।
इंटेंशनली डिफॉल्ट करना है, उसके रिगार्डिंग बात करनी है। पूछूंगा डिफॉल्ट करना कैसे अच्छा रहेगा, अभी अच्छा रहेगा या बाद में अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब आपको इंटेंशनल डिफॉल्ट करना है तो वो उसके लिए पूछ रहे हैं आपको। हाँ, मतलब मैं यार क्या बोलूँ, बड़े समझदार आदमी है भाई, आप दिल खुश कर दिया। नहीं, मैं बताऊं सर, क्या है ना कि आप ऑलरेडी डिफॉल्टर लिस्ट में तो हो आप, वो कोई आपको कहीं और ऐड होने की जरूरत नहीं है। जो नहीं रहा, क्या क्या पूछने वाला हूँ मैं, वो नहीं समझ रहा हूँ। उनसे ये पूछूंगा कि भाई साहब, आप मेरे को ये बता दो कि ये जो है ना, जो आपका ये हैरेसमेंट है, इससे कैसे बचा जाए, और अगर ना बचा जाए तो एजेंसी वाले जो ये हैरेसमेंट करते हैं उनकी गांड कैसे मारी जाए, उसके बारे में पूछूंगा। तो थोड़ा सा ना अंदर की डिटेल लेने वाला हूँ, अंदर की डिटेल चाहता हूँ मैं भाई। ओ, ये बात है यार, आकाश भाई बहुत समझदार आदमी है यार आप। अरे नहीं सर, इतने भी समझदार नहीं है, लेकिन वो है कि समझने की कोशिश करते हैं यहाँ सामने वाला क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। सामने वाला तो दुग्गी चाह रहा है, मिल तो नहीं रही दुग्गी उसको। क्या चाह रहा है? दुग्गी चाह रहा है, लेकिन दुग्गी मिल ही नहीं रही सामने वाले को। क्या हो गया यार, आज क्यों रहे हो? सर मेरे को भी दिला दो। अच्छा, अरे यार इस दुग्गी के रास्ते में कितने लोग बैठे हुए हैं, मेरे को कम मिलेगी यार ऐसी। अगर आप लोग बीच में बैठोगे तो मेरे को तो मिल ही नहीं पाएगी। भाई साहब, अगर सही है सर, अगर दिला दूंगा तो पहले मैं लूंगा, बाद में तुम लोगे, ठीक है? नहीं सर, ये गलत है। नहीं, पहले मैं लूंगा भाई, खाता में खोलो यार, मैं पैसे खर्च करूंगा, तुम कह रहे हो तुम लोगे पहले। चलो कंट्री कर लेंगे, ठीक है, दो दो कर लेंगे, दो दो कर लेंगे यार। दो के लिए मेरे को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो कंट्री कर लेना आपस में। कंट्री मतलब क्या होता है, समझाओ पहले मेरे को। कंट्री मतलब ये पैसे मिला लेंगे ना आपस में। अच्छा, तो मतलब तो भी पहले मैं ही लूंगा भाई, पैसे मिला यार, चाहे तो पूरे पैसे मुझसे ले लो या तुम दे दो, मतलब आधे आधे कर लो, लेकिन भाई पहले मैं ही लूंगा। चलो ठीक है, पहली चांस आपकी। हाँ चलो, पहाड़ी पे चलेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियाँ, यहाँ से मेरी जगह से ना 40 किलोमीटर दूर है बस वहाँ की जगह। कौन सी जगह पे? मेरी दिल्ली में ही हूँ मैं, यहाँ से ना मतलब पहाड़ी नाम की एक जगह है अंदर को, तो वहाँ पे ना भाई एक यहाँ पे दिल्ली में ना अंदर की तरफ जाके थोड़ा सा पहाड़ी नाम की एक जगह है, मेरे दोस्त को बताया, वो भी जाने को कह रहा है, एक से एक खतरनाक भाई, टॉप दुग्गी दुग्गी है, ये समझ लो दुग्गियों की बरसात होती है वहाँ पे, दुग्गी 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 दुग्गी। तो बताओ फिर कब जाना है, कब चलना है, ये बताओ तुम कहाँ पे हो दिल्ली में, फिर उस हिसाब से मैं बताऊँ। मैं हूँ खजूरी, सुना है यार, यहाँ ये साउथ दिल्ली जो तिगड़ी है, ये साउथ दिल्ली संगम बिहार जो है, वो कितनी दूर है भाई के पास? हाँ, वहाँ की तरफ से 5-7 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ पे तिगड़ी देखी है संगम बिहार में? तो भाई साहब तिगड़ी में मिलना आप, आपको करता हूँ कॉल। हाँ ठीक है, क्या टारगेट अटक रहेगा दूसरे कस्टमर से? हाँ यही तो बात है। अरे चलो भाई, बाद में तुम भी मिलवा देंगे, क्या हुआ? ठीक है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।